देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स या सीआरपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती 2020 में जो फॉर्म भरे गए थे हैं उसका एग्जाम डेट आ चुका है। जो जिनका फिजिकल पहले ही हो चुका था 2020-21 में, जिनका फिजिकल हो चुका था लेकिन उनका लिखित परीक्षा अभी तक नहीं हो पाया था, तो उनका एग्जाम डेट आ चुका है। तो देखिए कौन कौन से पदों के लिए आया है, तो उसके संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पैरामेडिकल उक्त भर्ती के गैर तकनीकी पद, उसमें दो पद थे, तकनीकी पद और गैर तकनीकी। जैसे गैर तकनीकी में हैं जैसे सिपाही हैं, मसालची हो गया, कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, धोबी हो गया, वाटर कैरियर, टेबल बॉय। पदों के लिए लिखित परीक्षा सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड होगी वो 31/3/2023 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का दिनांक, स्थान या समय का विवरण अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में दर्शाया गया है। जो एडमिट कार्ड होगा उसी में स्थान का पता चल पाएगा, जो कि अभी साइट पे नहीं डाला गया है। वो 21/3/2023 मतलब 21 मार्च को वो विभाग की जो वेबसाइट है www.crpf.gov.in पर उपलब्ध होगी। तो देखिए जो परीक्षा का जो मैटर होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और 30 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी, जो भाषा आपने चूज की होगी उसके आएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें, जैसे यह तो हो गया गैर तकनीकी पदों के कंप्यूटर बेस्ड प्रवेश पत्र के लिए लिंक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। वो चीज़ें जो आपको पहले बता दी हैं मैंने कि 21/3/2023 को ये सीआरपीएफ की साइट पे उपलब्ध हो जाएगा, या अगर सीआरपीएफ की साइट पे उपलब्ध हो जाएगा, या फिर दूसरी चीज़ वो जो आपने मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में डाले हैं उसके ऊपर एक लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, दो रंगीन प्रतियाँ, जो अपना एडमिट कार्ड हो उसकी दो रंगीन प्रतियाँ, दो नवीनतम फोटो, मूल पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया जो गैर तकनीकी पद थे उनके एग्जाम के संबंध के बारे में। अब हम बात करते हैं जो तकनीकी पद हैं उनकी एग्जाम के बारे में। तो देखिए जो तकनीकी पद हैं, तो तकनीकी पद में देखिए कौन कौन से पद थे इसमें, जैसे डाइटिशियन हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, डेंटल टेक्नीशियन हो गया, इन सब का जो हवलदार या फिर जो स्टाफ नर्स से संबंधित जो भी वैकेंसी थी उनका अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ है। जो गैर तकनीकी पद थे जो सिपाही के, उन्हीं का एग्जाम डेट आया है। इसके अलावा जो तकनीकी पद थे उनका एग्जाम डेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि इनका जो कम्युनिटी बेस्ड टेस्ट होगा वो उसकी दिनांक शीघ्र ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की वेबसाइट को समय समय पर देखते रहें। तो जो एग्ज़ाम डेट है वो सिर्फ गैर तकनीकी पद है उन्हीं का आया है, और उनका डेट जो है 31 मार्च 2023 रखी गई है। इसके अलावा अगर तकनीकी पदों की बात करें तो उनका एग्जाम डेट नहीं आया है, तो उनका एग्जाम डेट बहुत जल्दी विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा।